हाथ को उनकी उंगली में हरकत हो रही है। दादू बाबूजी, अब तो इस बुट्ठे को मौका मिलते ही खत्म करना होगा। मैंने आपके लिए ना आपके फेवरेट सॉन्ग्स डाउनलोड किए, मैं अभी जाकर लेकर आता। राम भाई तैयार हो जाए अपनी जिंदगी की आखिरी और लंबी राइड के लिए। दादाजी, दादाजी आप ठीक है ना? थैंक यू शलाका, तुमने दादाजी को बचा लिया। ऋषि, ऋषि क्या हुआ, क्या हुआ दादाजी को? क्या हुआ, तू क्यों चिल्ला रहा बेटा, क्या हुआ इनको? वो लाडू बाबा, मैंने दादाजी के लिए उनके फेवरेट सॉन्ग्स डाउनलोड किए थे, मैं उन्हें अंदर लेने गया था तो व्हीलचेयर अपने आप चलने लगी और स्विमिंग पूल में गिरने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि शलाका ने सही वक्त पर आकर इन्हें बचा लिया। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, सो इरिस्पॉन्सिबल? अगर बापूजी को कुछ हो जाता तो ना मैं अपने आप को माफ कर पाता और ना ही तुम अपने आप को। I'm sorry. Not sorry. प्लीज आप शांत हो जाइए, ऋषि ने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। और शलाका, थैंक यू वेरी मच कि तुमने बापूजी को बचा दिया। मम्मी जी। हाँ शलाका, आज तुमने उन्हें नई जिंदगी दी है, महादेव जी तुम्हारी रक्षा करें। लाडूबा, अगर मैंने दादाजी के लिए कुछ किया है तो उसमें कोई एहसान नहीं किया है। आपको पता नहीं है मगर मैं तो दादाजी को इतना मानती हूँ कि उनके लिए अपने जान में दे सकती हूँ। है ना दादाजी, मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना। आज तो तू बच गया बुड्ढे, मगर कब तक बचेगा? कौन? बाबूजी चलिए अंदर जाते हैं। चलो बाबूला। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, दादाजी के साथ कुछ भी हो सकता था, वो स्विमिंग पूल में गिर सकते थे और ऐसी हालत में ना वो स्विम कर पाते ना ही किसी को हेल्प के लिए बुला पाते। गॉड ऋषि, हाउ कैन यू डू दिस? ऋषि चलो प्लीज प्लीज तुम यहां से चली जाओ। मैं अपने आप से इतना नाराज हूं, कहीं गुस्से में तुमसे कुछ ना कह दूं। ऋषि मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे कुछ कहो, बात करो मुझसे। ऋषि क्या बात करो शलाका, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं मैं? दादाजी के साथ कुछ हो जाता तो मां उनकी जान तक। आज अगर तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं अपने दादाजी को खो देता था। ऋषि मैं थी ना वहां पे और हमेशा रहूंगी तुम्हारे साथ दादाजी के आसपास। अब जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ ऋषि। तुम सही कह रही हो, मुझे भूल जाना चाहिए। और वैसे भी
कल दादाजी के बर्थडे के दिन हमारा एक बहुत बड़ा टास्क पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए हम दोनों ने दिन रात एक किया है। देखना कल सरप्राइज को देखकर घर वाले कितने शॉक्ड रह जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, दादाजी को दवाई देनी है, मैं जाती हूँ। कल हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। बकुला बहू। हाँ बा। देखो ना, मैंने होलिका दहन के सामग्री की लिस्ट बना दी है, कुछ भूल तो नहीं गई? नहीं बा, हमेशा की तरह परफेक्ट है। बकुला बहू, इस घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी हर साल तुम्हारे बापूजी ही ये सामग्री लाया करते थे, और इस बार ये लिस्ट मैं रसिक को दे दूंगी, सारी सामग्री वो लेकर आएंगे। और आप देखिएगा, अगले साल बापूजी खुद अपने पैरों पर चलकर होलिका की पूजा करेंगे। अरे इला भाभी, जल्दी कीजिए, बर्थडे अगले साल सेलिब्रेट नहीं करना। वेरी फनी। हाँ, और आप लोगों को ना किसी इवेंट कंपनी को हायर करना चाहिए था, सब लोग मिलके ही एक ही काम कर रहे हैं। यही तो हम चाहते थे इला भाभी, कि दादाजी के बर्थडे के दिन हम अपने हाथों से घर को डेकोरेट करें, ताकि दादाजी की आंखें खुशी से खिल जाए। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए वो सुबह। सुबह जोकर बनी थी। क्या मम्मी जी? सुबह? मम्मी जी, आपको अब भी वो सुबह याद है? मैं तो उसे कब का भूल चुकी हूँ, और अब आप भी उसे भूल जाइए। सुबह हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए गई। ऋषि, वो गिफ्ट के लिए क्या प्लान है? हाँ, मैंने और मम्मी जी ने अपने हाथों से केक बनाया है हमेशा की तरह, और मम्मी जी और मेरी तरफ से वो दादाजी के लिए स्पेशल गिफ्ट होगा, है ना मम्मी जी? और मैं भी दादाजी को गिफ्ट के तौर पर नए मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दूंगा। अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये, और दादाजी का ये सपना था। हाँ, दिलीप कुमार, राजकुमार, देवन, इस सारे दादाजी के फेवरेट एक्टर्स है, और इन सारे महान एक्टर्स की डीवीडी मैंने मंगवा ली है, ताकि दादाजी आराम से देख सके। और पता है, मैंने दादाजी के लिए उनका फेवरेट सॉन्ग कंपोज भी किया है। क्या हुआ? कुछ नहीं राहुल, मैं क्या कह रहा था कि शायद दादाजी के लिए एक गिफ्ट इनफ होगा, वो मूवीज वाला, है ना? ओके। वैसे ऋषि भाई, आपने ये तो जान लिया कि हम लोग क्या गिफ्ट देने वाले हैं दादाजी को, पर आप दादाजी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? मैं दादाजी को इस साल जो गिफ्ट देने वाला हूँ वो एकदम अलग होगी, देखना पूरे घर में धमाका कर देगा वो। अच्छा, वो क्या चीज है? आपने मेरे बर्थडे के दिन सरप्राइज दिया था ना, मेरा भी दादाजी के लिए वैसा ही कुछ इरादा है। ऋषि भाई, कहीं आप शलाका से शादी करके तो नहीं आ जाएंगे ना? इला पारेख, इस वक्त हमें दिमाग चलाने से ज्यादा हाथ चलाने की जरूरत है। मैं तो ना ये फुग्गे फुला फुला के थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता है अब ये। हाँ तो फिर आप आराम कीजिए, एक काम कर रहे, कॉम्पिटिशन रखते, देखते रविश भाई और राहुल के बीच में कौन सबसे ज्यादा फुग्गे फुला सकता है। रेडी? ओके, 1, 2, 3 स्टार्ट।
बड़े बड़े कदम उठाए मैंने यहां तक आने के लिए, मगर फिर भी मंजिल अभी तक दूर है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंजिल से दूर नहीं जा सकती, फिर चाहे मुझे खुद क्यों ना अपने ही रास्ते पर कांटे बिछाने पड़े। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खून निकलेगा, पैर छिल जाएंगे, मगर फिर जिंदगी भर की ऐश है। किसी ने सही कहा, नो पेन नो गेन, मगर फिर भी मैं ये खेल खेलूंगी। कौन है? ऋषि चलो शलाका, अब वक्त आ गया है कि हमने जो किया है उसे सबके सामने लाने का। चलिए सब लोग केक काटने के लिए आ जाइए। केक इज रेडी, जल्दी आ जाइए सब लोग। कहाँ है राहुल? यस मैम। राहुल बेटा, ये ऋषि और शलाका कहाँ रह गए? मैं देख के आता हूँ मैम। हाँ ऑफ कोर्स, डिजाइनर सारी है, आखिर इला पारेख की चॉइस है, अच्छी तो होगी ना। अरे रमेश भाई, आपको पता है ऋषि और शलाका गए? भाभी आपको पता है? मुझे कैसे पता होगा, अरे कहाँ चले गए दोनों? रविश आपने बताया नहीं मेरी डिजाइनर साड़ी कैसी लग रही है? पता नहीं। क्या पता नहीं, डिजाइनर साड़ी कैसी है मेरी? अच्छी है। हाँ चलें। चल मॉम, पता नहीं कहाँ है, किसी को नहीं पता। क्या कर रहा है ये ऋषि, उसे फोन कुछ लगा कर देखो। Here comes today's birthday baby, Ram Bhai Parekh. कहाँ रह गए ऋषि शलाका? Mom, you don't worry, मैं try करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं try कर चुका हूँ already। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं शलाका को फोन लगा के देखती हूँ। No response. कमाल करते हैं ये दोनों, हमें इतनी बड़ी पार्टी रखी है और दोनों गायब। आ जाएंगे दोनों, चलो केक कटिंग की तैयारी करते हैं। बापूजी को ले आइए। लाइट क्यों गए? मैं देखता हूं। हाँ ये लाइट किसने चालू की? देखा, ऋषि कहीं गायब नहीं हुआ था, ये सब उसी का प्लान है। अभी तक नहीं बदलाई, ये उसकी सरप्राइज है शायद। मैं जानता हूं कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डांस म्यूजिक पार्टी वगैरह वगैरह है ना, लेकिन आज मैं आप सभी को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हमारी आज की पार्टी की स्पेशल गेस्ट मिस सुभाषिनी।
पत्नी सुबह है। सुबह नहीं लाडूबा, मिस सुभाषिनी। हमारी आज की पार्टी की स्पेशल गेस्ट मिस सुभाषिनी। ये तो अपनी सुबह है। सुबह नहीं लाडूबा, मिस सुभाषी। हे भगवान, तुमने चमत्कार दिखा दिया। सुबह मेरी बच्ची, मुझे यकीन था मेरा दिल आज सुबह से कह रहा था तू जरूर आएगी, जरूर आएगी। तेरे दादू को इस जन्मदिन का ये सबसे अच्छा तोहफा दिया है तूने। ये तेरा नया रूप, मैं आज बहुत खुश हूं। इतना खुश कि हाथ उठा के तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं, और वो मैं करके रहूंगा। दादाजी, यू कैन डू इट। द मोर डिफिकल्ट द कॉन्फ्लिक्ट, द मोर ग्लोरियस इज द ट्रायंफ। Thank you.
दादाजी, यू कैन डू इट. द मोर डिफिकल्ट द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस इज द ट्रायंफ. ये बात मैं नहीं कह रही हूं दादाजी, ये बात आप ही ने मुझसे कही थी कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी. और आप तो कभी हार मानने वालों में से नहीं हो. देखना बहुत जल्द आप खड़े हो जाएंगे. ऐसे क्या दिख रहे हैं दादाजी? आपके दोस्त की लाडली सुबली से मिस सुभाषिनी बन गई. आशीर्वाद नहीं देंगे आप इसे? त्योहार सुबह के साथ मनाएंगे. अब आएगा होली खेलने का असली मजा.